दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 5 ऐसी रहस्यमय जगह दिखाने वाला हूँ जिसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उठ जाएंगे। हॉर्मस आइलैंड पर्शियन गोल्फ में मौजूद इस इरेनियन आइलैंड के पानी के लाल रंग को देखकर हर कोई चौंक जाता है, जिसे रेनबो आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग इस बीच के लाल रंग को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, जो एकदम खून के जैसा लगता है, जिसका कारण आयरनोसाइड की बढ़ती मात्रा को माना जाता है, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी भी लाल रंग की हो जाती है। वेल ऑफ हेल यमन में मौजूद इस जगह को नर्क का कुआं माना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इसे दानवों को कैद करने के लिए प्राचीन लोगों ने बनाया था, जहाँ आज भी लोगों को चिन्ह देखे जाने की घटनाएं लोगों द्वारा सुनाई गई, जो आज के समय में यमन की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। 50 फीट गहरे इस गड्ढे में जब ग्लाइडर्स जंप करते हैं तो उन्हें इसमें सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। गोल्डन कैनन बॉल। एक दिन एक लड़का जिसका नाम आरोन स्मिथ था, कॉलेज से छुट्टी होने के बाद समुद्र के किनारे घूम रहा था, जहां उसे एक रहस्यमय बॉल दिखाई देती है। जब उसने उसे उठाकर देखा तो उसके अंदर पुराने समय के एक दुर्लभ समुद्री जीव का कंकाल मिला, जो 185 सालों पहले हमारी धरती पर रहा करते थे, जो चमकदार गोल्डन बॉल से अच्छे से कवर की हुई थी, जिसने एक दिन के अंदर ही आरोन को सुर्खियों में ला दिया। डार्क हेज आइलैंड के नॉर्थ में मौजूद इस रास्ते को देखने के बाद हर कोई घबरा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इन रास्तों पर मौजूद ये पेड़ इसलिए डरावने आकार के हैं क्योंकि इस जगह के आसपास कोई दानव या शैतान रहता है। वहीं वहाँ के लोकल्स का कहना है कि इन रास्तों पर एक आत्मा रहती है जिसे ग्रे लेडी के नाम से जाना जाता है, जो रात को अंधेरे में लोगों के अचानक सामने आ जाती है, ज्यादातर रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। यही वजह है कि लोग अंधेरा होने से पहले ही इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। एल नीडो फिलीपींस में कई सारी ऐसी जगह है जो आपको काफी पसंद आएगी, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट बीच भी है जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। अगर आप फिलीपींस में जाते हो और अकेलेपन को एंजॉय करना चाहते हो तो एल नीडो नाम के छिपे हुए बीच पर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जो बड़े बड़े पत्थर के पीछे छिपा होता है। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसका पानी कांच से भी ज्यादा साफ है, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।